अरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरफान अली शेख है। मैं कॉस्मेटिक सर्जन हूँ एट अल खलीज क्लिनिक्स। फेलोशिप है मेरा सर्जरी में फ्रॉम द कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान। द एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड विद मी ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली हेयर ट्रांसप्लांट। आई एम एक्सपर्ट इन हेयर ट्रांसप्लांट एंड अदर कॉस्मेटिक सर्जरीज लाइक लाइपोसेक्शन of different parts of the body, other cosmetic surgeries, for example facelift, blepharoplasty जिसको आईबैक surgeries भी कहते हैं, दीगर lumps and bumps of the body, if you want to go for the cosmetic surgery of those things, and especially the breast surgeries, breast enlargement, breast augmentation या breast reduction surgeries. What is breast augmentation or breast tightening? ब्रेस्ट सर्जरी दुनिया में कॉस्मेटिक सर्जरी में अगर हम देखें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जरीज जो दुनिया में होती हैं ब्रेस्ट से रिलेटेड, जिसमें मोस्ट कॉमन इज़ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन को अगर हम डिवाइड करें सर्जिकल और नॉन सर्जिकल में, तो नॉन सर्जिकल मीन्स में वेम्पायर ब्रेस्ट लिफ्ट एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एक ब्रेस्ट टाइटनिंग या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन को लिया जाता है, उसको एक नॉन सर्जिकल मेथड में बहुत ही मिनिमम डाउन टाइम में एक डे केयर प्रोसीजर से हम उसको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर नॉन सर्जिकल मींस जिससे बहुत ज़्यादा टारगेट्स अचीव नहीं होते अक्सर लोगों के, तो फिर वी गो फॉर द ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी, जिसमें अगेन वी डिवाइड इनटू नेचुरल एंड सिंथेटिक पार्ट्स। नेचुरल ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जो कि अब एक और एडवांसमेंट है ब्रेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरीज में, जिसमें हम पेशेंट्स के अपने ही बेली फैट से फैट को एक्सट्रैक्ट करके टमी को, जो कि टमी एरिया से जो कि एक वो फैट एक हमारे एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी में, उसको हम यूटिलाइज़ करने के लिए ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ अगेन अ नेचुरल कॉस्मेटिक ऑगमेंटेशन ऑफ ब्रेस्ट विद योर ओन फैट, जिसके कोई नुकसानात नहीं होते। दूसरा जो कि ज़्यादा शुरू से बहुत सालों से कॉमन प्रोसीजर है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में, जो कि बहुत वेल नोन भी है, दैट इज़ सिंथेटिक ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, जिसमें हम इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। इम्प्लांट्स आर वेरी कॉमनली नोन इन पॉपुलेशन, जो कि ब्रेस्ट इनलार्जमेंट में यूज़ होते हैं, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में यूज़ होते हैं। उसमें एक इनर्ट मटीरियल सिलिकॉन इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं, जो कि नॉन रिएक्टिव होते हैं बॉडी के साथ, जो कि आपको नुकसान नहीं पहुँचाते, और वो बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट्स के साथ आपको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन देते हैं, जो कि जिसके रिजल्ट्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत मिनिमम होते हैं, निग्लिजिबल होते हैं, एंड इट इज़ वेरी सेफ प्रोसीजर फॉर योर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एंड ब्रेस्ट टाइटनिंग। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।